वार्ड 502 में डॉक्टर है, मिल लीजिए। सिस्टर, 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 मुझे तुरंत अपना ऑपरेशन करवाना है। आप इस बीच में ऑपरेशन? सिस्टर आप मेरे ड्रेस प्रेस पे मत जाइए, मुझे तुरंत किसी सर्जन से मिलवाइए प्लीज। आप पहले ये फॉर्म्स भर दीजिए, उसके बाद डॉक्टर्स जांच करेंगे कि क्या करना है। सिस्टर इतना टाइम नहीं है मेरे पास ये फॉर्म भरने का, मेरा जल्दी ऑपरेशन करवाइए वरना मैं मर जाऊंगा, आप समझती क्यों नहीं है? माफ कीजिएगा सर, ये ऑपरेशन कोई नाटक या मजाक नहीं होता, इसके लिए जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। सिस्टर मुझे नहीं पता ये हॉस्पिटल है, मजाक नहीं कर रहा मैं, किसी मंच या स्टेज पर रही हूँ, अगर मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ तो मैं 10-45 में मर जाऊंगा, 10-45 में मर जाऊंगा, 10-45 में मर जाऊंगा, 10-45 में मर जाऊंगा। ओके ओके, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए मदद बुलवाती हूँ। 2 मिनट आप लोगों को समझ में नहीं आता, सुनिए 2 मिनट मुझे। सर प्लीज रुकिए, सर सुनिए तो। उसने 10:45 बोला, इसका मतलब oh no! नर्स ब्लड का और इंतजाम करो। डॉक्टर 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 सब कुछ छोड़ दीजिए, मेरा ऑपरेशन कर दीजिए प्लीज। ये जोकर कौन था, किसने आने दिया? डॉक्टर मैं जोकर हूँ, मैं हूँ जोकर पर मरीज भी, मेरा नाम विक्की है, विक्की प्लीज प्लीज मेरा ऑपरेशन कर दीजिए, आप लोग प्लीज समझिए मेरी बात। ये क्या मजाक बना रखा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं? डॉक्टर आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, 45 तो मर वाला हूँ, मेरे पास कुछ ही मिनट है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? डॉक्टर सिक्योरिटी को फोन करो। कपड़े कहीं ये लड़की कहीं चली तो नहीं गई, मुझे तो फोन पर कह रही थी कि घर पे रहूंगी। रोमा रोमा मैं तुझे कब से आवाज दे रही हूं, तू जवाब क्यों नहीं देती? मैं जरा जल्दी में हूं। तू कहीं जा रही है? कुछ जरूरी काम है। अच्छे से जानती हूँ मैं तेरा काम, काम का तो बस बहाना है, तू कहीं और जा रही है। ओह तो अब तुमने मुझ पर जासूसी करना भी शुरू कर दिया है? नहीं ऐसी बात नहीं है, वो कल तेरे ऑफिस से कॉल आया था, वो सब वहां तेरा इंतजार कर रहे थे और तू मुझे कह के गई थी कि मैं ऑफिस जा रही हूँ और तू वहां पहुंची नहीं। रोमा मैं तुझसे बात कर रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देती? कहीं तो किसी मुसीबत में तो नहीं? हाँ मुझे माफ कर दो दीदी, पर कुछ ऐसी बात है जो मैं तुम्हें भी नहीं बता सकती, वो मेरी निजी बातें। अच्छा मुझे मुझे बताइए 10:45 का क्या मतलब है? 10:45? हाँ मैंने आज सुबह तुझे किसी से फोन पर बात करते हुए सुना है, कुछ बातें कर रही थी इस बारे में, बता। कुछ नहीं बस ऐसे। रोमा देख रोमा तुझे बताना पड़ेगा, आज हॉस्पिटल में एक आदमी आया था, वो कह रहा था कि वो 10:45 को मर जाएगा। तुम भी ना दीदी कुछ भी बोलती हो, कोई आदमी पहले से कैसे बता सकता है,
कि वो मरने वाला है। देख रोबा, बहाने मत बना, सच सच बता मुझे क्या बात है। हाँ भाई, तेरी जान को तो खतरा नहीं है, बता मुझे। हाँ हे भगवान, रोमा तूने मुझसे ये सब बातें क्यों छुपाई? तुझे मुझे ये सब बता देना चाहिए था। ओके लिसन, अभी भी ना कुछ नहीं बिगड़ा है। नहीं दीदी, अब कुछ नहीं हो सकता है, बहुत देर हो चुकी है। देखिए आप सब लोग मेरी बात समझने की कोशिश करिए प्लीज, प्लीज मुझे अपना ऑपरेशन करवाना है। बस अब ज्यादा वक्त नहीं, 45 तो मरने वाला हूँ, प्लीज बचा लीजिए प्लीज। देखो ये बेवकूफी छोड़ो, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है। डॉक्टर मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, डॉक्टर प्लीज मुझे बचा लीजिए, ऑपरेशन कर दीजिए। ओके ओके काम डाउन, अभी सब ठीक हो जाएगा। ओके डॉक्टर राजन, देखो ये इंजेक्शन मैं अभी तुम्हें दे देता हूँ, उसके बाद तुम एकदम ठीक हो जाओगे। 10:45 अब कोई फायदा नहीं डॉक्टर साहब, 10:45 Oh God. He's dead. पर ये नहीं समझ आ रहा कि इसे कैसे पता था कि ये ठीक 10:45 को मर जाएगा। हाँ डॉक्टर, ये तो कोई नहीं बता सकता। मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में पहली बार ऐसा केस देखा। हम डॉक्टर होकर भी किसी को मरने का एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते, और उसे पूरा टाइम 10:45। कुछ देर नहीं हुई है, पुलिस तो सब ठीक करती है। मैं तुझे कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। हम मैं अभी कॉल करके आती हूँ। नहीं नहीं सॉरी दीदी। रोमा, 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 दरवाजा खोल। रोमा, रोमा, कहाँ जा रही है तू? मैंने कहा ना मैं हूँ, मैं सब ठीक कर दूँगी। अच्छा रोमा, रोमा, मेरी चाबी, मेरा फोन। रोमा, 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 पुलिस में जाएंगे, मैं हूं तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। रोमा, रोमा रुक जा, रोमा। पलटो इसे। अरे डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है, विक्की को अपनी मौत का सही समय मालूम था। हाँ अभिजीत, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी अपनी मौत के बारे में निश्चित तौर पर नहीं पता लगा सकता, दिस इज इम्पॉसिबल यार। इसकी मौत हुई कैसे डॉक्टर साहब? मौत तो इसकी हार्ट अटैक की वजह से हुई है। इसे पता था इसे हार्ट अटैक होने वाला है? ये तो कमाल हो गया सर, अगर ये जिंदा होता तो मैं इससे पूछ लेता कि मैं कब मरने वाला हूं, फिर मैं जाके दुश्मनों की ऐसी धुलाई करता। कर हो गया डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक की वजह? वही पता करने की कोशिश कर रहा हूं अभिजीत कि हार्ट अटैक की वजह क्या थी, और ये भी पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर इसे कैसे पता चला कि ठीक 10:45 पर ही इसे हार्ट अटैक होगा। गिव मी 2 मिनट्स।
इस विक्की के बारे में कुछ और पता चला क्या? अभिजीत, इसकी टोपी से ये पता चलता है कि ये जैंगो सर्कस में काम करता है। टोपी के लेबल पे ये जैंगो सर्कस लिखा हुआ है। जैंगो सर्कस में? अभिजीत, ये देखो, इसके शरीर में ये कोई फॉरेन बॉडी। ये तो कुछ चिप जैसा लग रहा है। हाँ बस, ये चिप ही है और ठीक दिल के पास लगाई गई है। लेकिन चिप किस लिए डॉक्टर साहब? वही पता लगाने की कोशिश करेंगे कि चिप किस लिए और ये चिप आखिर है क्या। ये तो चिप ही है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप ठीक है? ठीक हो ना? Yes. I'm okay. तारिका, सर देखो, वो विस्फोट के बाद कुछ बचा है क्या? हाँ सर। विजीत, यार एक बात समझ में नहीं आई। चिप निकाली और कुछ देर के बाद विस्फोट हो गया, इसका मतलब चिप के साथ में कोई एक्सप्लोजिव था। लेकिन डॉक्टर साहब, उसका ये करने का क्या मतलब हो सकता है? देखो, चिप तो उसने लगाई थी ताकि हार्ट को इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजे जा सके, जिसकी वजह से उसे हार्ट अटैक हो सके। सर, चिप तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। वो तो होना ही था, विस्फोटक लगाया गया था इसलिए, ताकि सबूत रहे ना। राइट। ये मर्डर है, मर्डर। ये विक्की जैंगो सर्कस में काम करता था ना, वहीं से खुलेगी इसकी कुंडली। विक्की हॉस्पिटल गया था सुबह, अभी तक आया क्यों नहीं? क्या पता वो हॉस्पिटल गया या कहीं और कहाँ जा सकता है विकी? अब जाने दीजिए ना साहब, मुझे शिकायत करने की तो आदत है नहीं, ऐसे किसी के पेट पर लात मारना अच्छी बात तो नहीं है ना। जी कहिए। हम लोग CID से, आपके यहाँ विकी जो जोकर का काम करता है उसके बारे में कुछ बात करनी है। कर दी ना गड़बड़, मुझे पहले ही पता था कि वो जरूर कुछ गड़बड़ करेगा। क्या क्या पता है तुम्हें? कैसी गड़बड़? अरे साहब, वैसे तो मेरे शिकायत करने की आदत है नहीं, विक्की और मेरी दोस्ती शोले की जय और वीरू वाली जैसी थी, लेकिन साहब इधर कुछ दिन से अलग अलग रहने लगा था और परेशान सा रहता था, रिहर्सल में नहीं आता था, सर नशा भी करने लगा था। आज सुबह सर वो रिहर्सल में आया था, पर सीने में दर्द का बहाना करके वो हॉस्पिटल चले गए, अभी तक आया नहीं सर। इतना ही नहीं सर, उसने कंपनी के साथ गद्दारी भी की और इधर एक प्राइवेट पार्टी में प्रोग्राम करने गया था सर। मनीष, ये बात तुमने मुझे नहीं बताई? वैसे तो सर शिकायत करने की मेरी। इधर आओ दोनों, आओ इधर। कौन सी पार्टी में गया था? सर वो बर्थडे पार्टी में गया था सर। बर्थडे पार्टी में? हाँ सर। सर उसने अपने डायरी में से एक पन्ना फाड़ कर फेंका, मैंने देखा, उसी से पता चला सर मुझे। चिराग सर के चिंटू की बर्थडे पार्टी, फुल अमाउंट 4,000 रुपये, एडवांस 1,500 रुपये, बाकी बचे 2,500 और असली काम के 50,000 रुपये। देखो बेटा, तुम दोनों ने सच सच बताकर हमारी मदद की है, बहुत मदद की है, लेकिन अब एक दुख की बात बताता हूं, तुम दोनों का दोस्त विकी अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? विकी
जाए की तरह उसने दोस्ती नहीं निभाई यार। असली काम के 50,000 रुपये, 50,000 रुपये, क्या हो सकता है ये असली काम? चिराग। हाँ सर, विकी कल मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी में परफॉर्म करने आया था। काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था सर उसने। उसके मजाकिया बर्ताव की वजह से पार्टी में आए सारे बच्चे खुश हो गए थे। लेकिन सर उसने मुझे दुखी कर दिया था। क्यों? सर मेरे रूम में बार बार वो घुस जाया करता था। तो लेकिन आपके बेडरूम में बार बार क्यों आ रहा था? सर मेरे पूछने पर बोलता था कि मैं बेडरूम जा रहा हूँ। बेडरूम की तिजोरी में मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी थी। मैं तो सर उसकी इन हरकतों से बहुत डर गया था। क्या हम आपकी तिजोरी देख सकते हैं? सर ये देखिए, सफेद पेंट। सर शायद ये वो पेंट है जो जोकर लोग अपने चेहरे पे लगाते हैं। हो सकता है विकी ने इस तिजोरी को खोलने की कोशिश की हो। क्या आप में से किसी को या आपकी तिजोरी खुली हुई मिली थी? नहीं सर, तिजोरी तो बंद ही थी, चाबी मेरे पास ही रहती है। जरा प्लीज अपनी तिजोरी खोलिए। जी सर, अभी खोलता हूँ। पक्का ये सारा सामान बिल्कुल वैसे के वैसे ठीक ठाक है? सर सामान तो ठीक है, लेकिन कुछ पेपर्स बिखरे हुए पड़े थे। कौन से पेपर्स? सर ये ब्लूप्रिंट्स है। क्या हम देख सकते हैं? हाँ श्योर सर। कैसी ब्लूप्रिंट चाहिए? सर मैं सिक्योरिटी एजेंट का वीपी हूँ। मेरे पास अलग अलग संस्थानों के बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल्स और सिक्योरिटी प्लान्स के ब्लूप्रिंट्स रहते हैं, जिसे मैं यहाँ हिफाजत से रखता हूँ। बड़ा अच्छा प्लान बनाया था, पार्टी में आना, तिजोरी खोलना और ये सारे सिक्योरिटी पेपर्स चेक करना। लेकिन क्या सिर्फ इतने ही काम के लिए उसे 50,000 मिले? ऑर्डर साहब, क्या पता चला आपको? बस विकी के कपड़ों में से मुझे कुछ मिला। क्या मिला? बताता हूं। भैया विकी के कपड़ों में से ये मिला है, ये छोटा सा कैमरा। कैमरा? हाँ, और ये कैमरा इस कपड़े के बटन में छुपाया हुआ था। बटन में कैमरा था? इसीलिए विक्की को चिराग के घर से वो सिक्योरिटी प्लान चुराने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल सर, इसी कैमरे के जरिए वो सिक्योरिटी प्लान्स की फोटोज ले लेता होगा। सर इस कैमरे से कुछ सुराग मिला? देखो भाई, मैं ठहरा हड्डियों से लाशों से बात करने वाला इंसान। अबे मॉडर्न कैमरे के बारे में मुझसे भी ज्यादा एक इंसान जानता है, एंडी। एंडी? क्यों एंडी, सुधर गए हो या अभी भी साइट हैक करने का काम कर रहे हो? नहीं सर, पेशा वही है लेकिन तरीका बदल गया है। अब हैकर्स को पकड़ने में आप जैसे लोगों की मदद करता हूँ। गुड, कैमरे से क्या पता चला? कैमरे का मॉडल नंबर चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एंडी, हाल ही में गवर्नमेंट साइड ब्रेकडाउन हुई और हमें पता है ये काम तुम्हारे ग्रुप में से किसी ने किया है। मैडम इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। एंडी, हम सोच रहे थे कि तुम्हारी एक पुरानी फाइल खोलकर फिर इस ब्रेकडाउन के बारे में पता करें, कैसा रहेगा? सर इसे कोई जरूरत नहीं है सर, मैं आपको बताता हूँ सर। सर ये देखिए मिल गया, ये कैमरा काफी सोफिस्टिकेटेड लेवल का कलरफुल कैमरा है। इसका मॉडल नंबर है JH678HN। इसे इंटरनेशनल स्पाई एजेंसीज स्टिंग ऑपरेशंस में यूज करते हैं। अच्छा, कौन सी कंपनी बनाती है कैमरा? इसे जर्मन से सीधा इंपोर्ट किया गया है, इसे रेगुलर मार्केट में मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर हम इससे इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? ये एक वायरलेस कैमरा है, इसमें एक छोटा सा इनबिल्ट माइक्रोफोन लगा हुआ है। ये देखिए सर, हम जो भी बात कर रहे हैं सब इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। ये बता सकते हो अभी से पहले क्या रिकॉर्ड हुआ था इसमें? सॉरी सर, एक्चुअली
इसमें जो भी रिकॉर्ड हो रहा है वो कहीं और जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने जो भी बात की है वो मुजरिम ने सुना और देखा होगा। हाँ हो सकता है। ट्रैक कर सकते हो ये सिग्नल कहाँ जा रही है? एक मिनट सर। मिल गया सर। सर ये यहाँ से 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही सिग्नल मिल रहा है। एंडी एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हो? हाँ सर। वेरी गुड, तो ट्रैक करो सिग्नल को और बताओ कहाँ है हमारा मजरिम। रुको रुको सर, सिग्नल यहीं पे दिखा रहा है। किस तरफ? उधर। इधर? अरे रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं इधर आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सलाम साहब। अभी इस तरफ। इस तरफ? सर सिग्नल उधर से आ रहा है। सर उस तरफ। किसका फ्लैट है ये? साहब इसके मालिक यहाँ नहीं है, कोई किराए पे रहता है। तो फिर कौन रहता है यहाँ? तीन लड़के और एक लड़की रहती है, लेकिन साहब वो लोग कुछ ठीक नहीं लगते। क्यों? अब क्या बताएं साहब, हर रोज देर रात से आते हैं और सवेरे होने से पहले निकल जाते हैं। साहब मैंने एक दिन सुना कि वो लोग कुछ जेल की बातें कर रहे थे। जेल की बात? ये देखो, फोरेंसिक लैब में जो कुछ भी होता था, जो कुछ भी हम बोलते थे, सब कुछ यहां पर सुन रहे थे, देख रहे थे। एंडी को बुलाओ जल्दी। एंडी जल्दी। यस सर। जल्दी जल्दी एंडी। सर ये है वो सारी ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स जो फॉरेंसिक में आप लोगों की बातें हो रही थी, वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी है। ये देखिए। हाल ही में गवर्नमेंट साइड ब्रेकडाउन हुई और हमें पता है। माय गॉड, ये काम तुम्हारे ग्रुप में से किसी ने किया। मैडम इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। एंडी अब चिराग के घर से जो डाटा लीक हुआ था वो ढूंढो, देखो कहां पर है। सर ये हैं वो फाइल्स जो चिराग के घर से कॉपी की गई थी। ये रूट प्लान्स, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, मल्टीनेशनल कंपनीज और ये ग्राउंड प्लान्स। हाँ सचिन, और ब्लूप्रिंट्स 9 हैं, 9 9 ब्लूप्रिंट्स। ये सारे ब्लूप्रिंट्स चुरा कर सोच क्या रहे हैं ये करने का। एंडी बाकी सारा डाटा कॉपी कर लो। आदिव्या, आदिव्या तेरी लड़की वहां वॉश मशीन में बेहोश पड़ी थी। पानी लाओ, तो वॉचमैन को बुला। कौन हो तुम? मैं मोनिका, आप लोग कौन हैं? देखो घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? बताओ
तुम्हारे साथीदार कहाँ है? मेरा कोई साथी नहीं है, मुझे मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। साहब झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है साहब। मैंने इसे देखा है उन लोगों के साथ बाहर जाते हुए। क्यों मोनिका? सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी को भी नहीं जानती। मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे डॉक्टर के पास। इसके सीने में दर्द हो रहा है, इसके सीने में भी तो वो चुप नहीं। मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। हाँ बॉस बोलो। देख सारुखी, हमें एक लड़की मिली है, उसके सीने में भी दर्द हो रहा है, मुझे शक है कि उसके सीने में भी वो चिप लगा हुआ है, समझे? इसीलिए तेरे पास लेके आ रहा हूँ मैं। What? अरे तू यहाँ मत लाना बॉस, बहुत खतरनाक मामला है, बम फट सकता है उसका। अरे यार तू जांच कर लेना, देख ना। मेडिकल जांच करवानी है तो यार तुम हर सर्जन के पास लेके जाओ, मैं क्या करूंगा यार लैब में? नहीं सारुखी यार, सर्जन की जान को भी खतरा हो सकता है, समझता नहीं है? तो मेरी, अरे यहाँ भी तो खतरा हो सकता है ना यार, यहाँ बम फट जाएगा, लड़की की जान भी नहीं बचेगी, यहाँ भी कुछ हो सकता है। देख कुछ भी कर, एक्सरे निकाल, जो कुछ भी है कर, लेकिन मुझे रिपोर्ट चाहिए उसके सीने में चिप है या नहीं, बस। ठीक है, तुम किसी की मानते थोड़ी हो यार, लेके आओ उसे, देखता हूँ। हाँ ले चलो इसे। ठीक है तारिका, बस। आओ मणिका, बस ये देखो, वैसी ही चिप लगी हुई है, ठीक दिल के पास, जैसे पहले वाले आदमी के लगी हुई थी। सर इसका मतलब मोनिका की जान को भी खतरा है। मोनिका घबरा मत, कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें। एंडी जल्दी से देखो इस चिप के साथ कोई टाइमिंग डिवाइस लगाया क्या। यस सर। और डॉक्टर साहब एक बात बताइए, अगर मोनिका की सर्जरी करनी पड़े जल्दी से जल्दी, तो क्या आप कर सकते हो, माइक्रोचिप निकाल सकते हैं? सर ये चिप दिल के एकदम पास लगी हुई है, इसलिए इसे बाहर निकालने में पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। सर इस चिप के साथ एक माइक्रो टाइमर डिवाइस है जिसमें टाइम सेट किया गया है, 10:45 का टाइम है। 10:45 मतलब हमारे पास सिर्फ 4 घंटे बाकी है। सर पहला वाला विक्टिम भी 10:45 पर ही मरा था। हाँ एंडी, क्या इस टाइमर को तुम यहाँ से रोक सकते हो? सर अगर हमारे पास इसका रिमोट हो तो रोका जा सकता है। पर ऐसा रिमोट मिलेगा कहाँ? रिमोट तो मुजरिम के पास ही मिलेगा ना काबिन। सर पर हमारे पास वक्त बहुत कम है। पता है मुझे, अगर मुजरिम को ढूंढना है तो उसे पहले 3 घंटों में ही ढूंढना पड़ेगा, वरना मोनिका को सर्जरी के लिए भेजना ही पड़ेगा। अच्छा उस मुजरिम के घर में से क्या मिला? ये 3 लोगों के प्रोफाइल्स मिले हैं, विक्की नाम का जोकर, मोनिका और रोमा। विक्की और मोनिका तो हो गए, रोमा, इस रोमा को पहले ढूंढते हैं। ये रोमा की आवाज सुनी? रोमा हम लोग सीआईडी से, दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, दरवाजा बाहर से लॉक है। ऊपर बंद? देखो रोमा घबरा मत, हम लोग अंदर आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ ऊपर हूँ स्टडी रूम में। दरवाजा बाहर से कैसे बंद था? वो मेरी बहन रोमा ने। रोमा? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, परिणीता। एक सेकंड, रोमा कहाँ गई है, कुछ पता है आपको? सर वो मुझे कुछ बता के नहीं गई है। तो आपने रोमा का फोन ट्राई नहीं किया? सर वो जाते जाते मेरा फोन भी अपने साथ ले गई। आप मुझे रोमा का नंबर दीजिए प्लीज। 1-1-5-4-5-4-6-7-2-8। वो जरूर किसी मुसीबत में, मुझ पर कोई परेशानी नहीं आई, इसलिए वो मुझे बंद करके चले गई। फोन बंद आ रहा है, आप अपना नंबर दीजिए प्लीज। 1-1-7-8-2-4-3-2-1-2। इनका फोन ही बंद है। शायद आप बिल्कुल ठीक कह रही थी कि आपकी बहन आपसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए तो दोनों के दोनों मोबाइल बंद कर दिया उसने, ताकि
आपको कोई परेशानी ना हो। जी सर, बिल्कुल सही समझा आपने। पर सर, वो ना 10:45 के बारे में किसी से फोन पर बात कर रही थी। 10:45 के बारे में आपको कैसे पता? सर, वो आज हॉस्पिटल में एक आदमी आया था, उसने जोकरों के कपड़े पहने थे और वो जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था कि 10:45 को वो मर जाएगा। सर, मेरी बहन भी 10:45 के बारे में बात कर रही थी, कहीं उसको तो कोई खतरा नहीं है ना? सर, 10:45 की बात उसने कितने बजे की थी? आज सुबह मेरे हॉस्पिटल जाने से पहले, और वो बहुत डरी हुई भी लग रही थी। आपने और कुछ सुना क्या? ज्यादा कुछ नहीं सुन पाई मैं सर, लेकिन जितना सुना उसमें वो ये कह रही थी कि कुछ होने वाला है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई साजिश है। सर, इससे पहले कि कुछ हो जाए आप लोगों के आगे हाथ झुकती, प्लीज प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए, प्लीज। देखिए, आप ये बताइए कि ये रोमा करती क्या है? रोमा न्यूज 365 में काम करती है। सर, रोमा बीच बीच में छुट्टी में चली जाती है, शूटिंग के वक्त छोटी छोटी गड़बड़ियां करती है। सर, एक दिन तो उसने गलत फुटेज टेलीकास्ट करने के लिए दे दिया। यू नो व्हाट, हमारी कंपनी को कितना बड़ा लॉस हुआ। काम पे रखते समय आपने उसे ट्रेन नहीं किया? सर, पहले तो वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करती थी, बट 15 दिन पहले वो छुट्टी पे गई। सर, छुट्टी से आने के बाद वो नए नए नाटक करने लगी। अच्छा, ये बताइए मैम कि इस वक्त हमें कहाँ मिलेगी रोमा? सर, मैंने उसे सारे प्रोजेक्ट से हटा दिया है, इसलिए वो 1 वीक से ऑफिस में नहीं आ रही है। कल मैंने उसे कॉल किया और उसने मेरा फोन भी पिकअप नहीं किया। उसके बाद मैंने उसकी बहन को फोन किया, उसने कहा कि रोमा बाहर गई हुई है। मैम, रोमा आई थी और फिर चली भी गई। रोमा? वो बहुत जल्दी में थी, और हाँ मैम, उसके पास एक बैग भी था। तुमने देखा उस बैग में क्या था? नहीं मैम, मगर स्टोर रूम से एक कैमरा गायब है। अच्छा मैडम, ये रोमा जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी उन सबकी डिटेल्स चाहिए हमें, हम खुद पता लगा लेंगे कि रोमा गई कहाँ है। सर पता चल गया। सर, मोनिका एक कार मेंटेनेंस कंपनी की टेक्निकल सुपरवाइजर, और ये कंपनी गाड़ियों की सालाना सर्विस के साथ साथ अगर रस्ते पर गाड़ी खराब हो जाती तो वहां पे अपने मैकेनिक से भेजते हैं। अच्छा, टेक्निकल सुपरवाइजर। सर, मुजरिम ने जोकर विकी के जरिए चिराग के घर से सिक्योरिटी प्लान की चोरी कराई, मगर एक कार मेंटेनेंस सुपरवाइजर से क्या काम करा सकता है? जो भी है पूर्वी, वक्त बहुत कम है हमारे पास। मोनिका, जिन लोगों के साथ तुम अपार्टमेंट से बाहर जाती थी उनके बारे में कुछ बता सकती हो? अच्छा, उनसे पहली बार कहाँ मिली थी, कुछ याद है? सर, कुछ दिन पहले मैं ऑफिस के बाहर ऑटो का वेट कर रही थी और अचानक पीछे से किसी ने मेरे सर पे वार किया। थोड़ी देर बाद मैंने अपने आप को एक छोटे से क्लिनिक में पाया। शायद वहीं तुम्हारा ऑपरेशन करके तुम्हारे हाथ में चिप लगा दिया गया। उसके बाद? सर, जब होश आया तो मैं एक अपार्टमेंट में थी। नहीं, वो लोग तुम्हें कहाँ लेके जाते थे? तो वो गाड़ी में बिठाकर मुझे अलग अलग जगह लेकर जाते थे। कौन कौन सी जगह लेकर जाते थे, बता सकती? नहीं बता सकती सर, क्योंकि वो हमेशा मुझे नशे में ही रखते थे। उन लोगों ने तुम्हें चुना था, कोई खास वजह तो होगी उसके पीछे। तुम्हें जब गाड़ी में लेके जाते थे तो क्या होता था गाड़ी में, क्या बात करते थे, क्या क्या काम करती थी तुम, हैं? कुछ याद है? हाँ सर, याद आया, एक बार किसी ने मेरे हाथ में कुछ तो दिया था। क्या दिया था? नहीं सर, मुझे नहीं याद आ रहा है। मोनिका, याद करने की कोशिश करो, तुम्हारी छोटी से छोटी बात भी हमें मुजरिम तक पहुंचा सकती है। याद करो मोनिका, क्या था, क्या दिया था? हाँ सर,
मुझे किसी ने एक बॉक्स दिया था जिसमें बहुत सारे वायर लगे हुए थे। बॉक्स था? शायद बम होगा वो। वो कहाँ रखा तुमने? हैं? किसको दिया? पता, पता मोनिका। मोनिका वो बॉक्स किसको दिया तुमने? पता नहीं सर, मुझे उसके बाद क्या हुआ कुछ भी नहीं पता। मोनिका वो बॉम्ब हो सकता है, मासूम लोगों की जान खतरे में। मोनिका वो याद करो कहाँ दिया था तुमने? सर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है सर, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। याद करो कहाँ रखा था तुमने, किसको दिया था? मोनिका क्या हुआ? मोनिका मेरे सीने में बहुत जोर से दर्द हो रहा है सर। पंकज एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी, मैं मर जाऊंगी सर। नहीं कुछ नहीं होगा तुम्हें। मोनिका मोनिका परेशान मत हो मोनिका, चलिए प्लीज हटिए हटिए, संभाल के प्लीज हटिए हटिए जल्दी। आइए आइए आप लोग, प्लीज बाहर ही रहिए। आगे टेन फोर्टी फाइव, दस पैंतालीस। सर दस पैंतालीस को सिर्फ आधा घंटा रह गया सर। जो कुछ भी हो सचिन, लेकिन हम किसी मासूम की जान जाने नहीं देंगे। सर वो एक्सप्लोसिव डिवाइस मोनिका को किसने दिया था ये हम कैसे पता लगाएंगे? एक काम करो, बॉम्ब स्क्वाड को कहो कि चौकन्ना ना रहे, हम उन्हें कभी भी बुला सकते हैं, कभी भी बुला सकते हैं। यस सर। प्लीज प्लीज टाइम बात करना डॉक्टर साहब। यहाँ तो दो चिप्स हैं। डॉक्टर साहब ये जो एक चिप है इसी से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इससे हार्ट अटैक होता है, और ये जो दूसरा वाला है ये एक्सप्लोसिव है, ये निश्चित टाइम पे बम फटेगा। लेकिन ये दोनों चार बारीक तारों से चिपके हुए हैं, इन्हें निकालना बहुत खतरनाक हो सकता है। साहब हमारे पास और कोई चारा नहीं है डॉक्टर साहब, हमें इनको काटना ही पड़ेगा, प्लीज टाइम बहुत कम है। प्लीज प्लीज सिर्फ 10:44 तक का वक्त है, प्लीज जल्दी। 10:35 हो चुके हैं डॉक्टर साहब, 10:35 हो चुके हैं, प्लीज प्लीज कट इट प्लीज। प्लीज 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 कट इट। इतना कट गया, थैंक गॉड डॉक्टर साहब, टाइम कम है, ये दूसरा वाला। थैंक गॉड दूसरा भी कट गया। थैंक यू, वेरी गुड डॉक्टर, सिर्फ 3 मिनट बचे। यस यस कट इट कट इट। तीसरा तार भी कट गया, प्लीज प्लीज ये लास्ट वाला काटिए, प्लीज कट इट। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज सिर्फ सिर्फ 40 सेकंड बचे हैं। प्लीज प्लीज फास्ट फास्ट फास्ट। डॉक्टर ये रहा आपका बॉम्ब। ये रहा बॉम्ब, हटो हट जा यार, तू बॉम्ब हटो, कहाँ जा रहा है? मेरे को संभाल के साथ सारे सब लोग हट जाओ। आप अरे रुक के, आप मेरे को याद नहीं सर, चल के रुक जा यार। दूसरा चिप के सही वक्त पे दिमाग लगाया तूने यार। और सबसे अच्छी बात यह है कि मोनिका का ऑपरेशन एकदम सफल हो गया। हाँ, एक खतरा तो टल गया, मगर सबसे बड़ा खतरा वो है, वो एक्सप्लोसिव्स
जिसके बारे में मोनिका ने हमें बताया। सर, मुजरिम ने पहले विक्की से वो ब्लूप्रिंट और सिक्योरिटी प्लान्स चोरी करवाए और उसके बाद मोनिका से वो एक्सप्लोसिव डिवाइस कहीं पे प्लांट करवा दिया और अब रोमा को भी गायब करवा दिया। सर, ये मुजरिम रोमा से क्या चाहता होगा? वही तो पता लगाएंगे श्रेया, वही पता लगाएंगे कि ये खूनी चाहता क्या है। एक बार उसका पता चल गया ना, फिर देखना कैसे शिकंजा कसते हैं हम उस पर। सब बॉम्ब स्क्वाड को खबर कर दी है, लेकिन जिस बॉम्ब के बारे में मोनिका बात कर रही है उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। मोनिका गाड़ियों के सुपरवाइजर है तो उन गाड़ियों तक आसानी से पहुंच सकती है जिन गाड़ियों की देखरेख का जिम्मा उसकी कंपनी ने लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बॉम्ब उसने किसी गाड़ी में ही फिट कर दिया? सर, मैंने मोनिका की कंपनी से गाड़ी की डेटाबेस मंगा ली। गुड जॉब पंकज। ये रोमा कहाँ है? सर, हमने उसके सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से बात की है, उसने किसी को कॉन्टैक्ट नहीं किया। उसके प्रोजेक्ट पर से कुछ पता चला? नहीं सर, कुछ पता नहीं चला। पूर्वी। सर, ये रोमा के सेलफोन के रिकॉर्ड से क्या पता चलता है? सर, वही चेक करिए, बस थोड़ी देर में बताती हूँ। सर, गाड़ियों की लिस्ट मिल गई। सर सर ये देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ियाँ, कॉल सेंटर्स की गाड़ियाँ, बैंक की गाड़ियाँ सर, और स्कूल बसेस, ऐसे ऐसे कॉन्टैक्ट दिए। बैंक, स्कूल, कॉल सेंटर, ऐसा लगता है निशाने पे कोई संस्था है, कोई एक आदमी नहीं है। सर, शहर के इस नक्शे में जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वो कुछ दिन पहले के रोमा के सेलफोन के हलचल को बता रहे हैं। ये देखिए सर। कौन सी जगह है? थॉमस स्कूल, एमएनसी ऑफिस और पब्लिक पार्क। सर, सब ये सारी जगहें तो रोमा की प्रोजेक्ट लोकेशन है जहाँ उसने शूटिंग की है। अच्छा, और ये नीचे जो डॉट्स हैं ये कौन सी जगह है? सर, ये ग्लोबल न्यूमरो बैंक। ग्लोबल न्यूमरो बैंक, यहाँ भी शूटिंग की लोकेशन है क्या उसकी प्रोजेक्ट की? नहीं सर। नहीं, उसका अकाउंट है क्या यहाँ पे? नहीं सर। सर, मैंने चेक किया है सर, उसका सिर्फ ग्रीन बैंक में अकाउंट है और कहीं भी नहीं है सर। पूर्वी, चिराग के घर से जो सिक्योरिटी प्लान चोरी हुए हैं उसमें इस बैंक का भी नाम है क्या? हाँ सर। तो ये है उनका निशाना, ग्लोबल न्यूमरो बैंक। यहाँ तो सब ठीक ठाक लग रहा है सर। वॉचमैन, नमस्ते सर। हमें खबर मिली है कि बैंक में कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या बैंक में? हाँ, इसके लिए काम करो, सिक्योरिटी सिस्टम चेक करो, तो दिखाना। चलो मैनेजर से मिलते हैं। सर रोमा, पिछले दो सालों में आपके बैंक ने काफी तरक्की की है, इसके पीछे का राज क्या है? ये हमारी सफलता के मूल मंत्र है। रोमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सर ब्रांच मैनेजर का इंटरव्यू ले रही हूँ। इंटरव्यू ले रही हो या बैंक को लूटने का प्लान है तुम्हारा? ये सर आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। क्या, ये मेरा बैंक लूट रही थी? जी, थैंक गॉड मैं तो बच गया। ओके सर, अभी लगभग सारे पैसे हमने एटीएम के लिए भेज दिए। एटीएम के लिए? कोई डिलीवरी वैन लूटने का प्लान तो नहीं है इन लोगों का? रोमा, क्या प्लान है तुम्हारा? रोमा सच सच बताओ, बताओ प्लान क्या तुम लोगों का? मैं आह सर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रोमा, ठीक है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। दुष्यंत, जरा एम्बुलेंस को फोन करना जल्दी। क्या हो, क्या रहा तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा है सर। सर, बैंक का पैसे बचा लीजिए सर। रोमा जल्दी सर, एम्बुलेंस आ रही है। गुड सर, इसे मैं एम्बुलेंस जाऊंगा सर। सर, बैंक का पैसा बचा लीजिए सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। सर, फुटपाथ पे आ जाऊंगा सर। सर सर, इसे मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ सर। ठीक है, दिव्या पूरी को फोन करके कहना कि हॉस्पिटल पे इस पर नजर रखे। दुष्यंत, पता करो ये कैश डिलीवरी वैन कहाँ तक पहुंची। रुक जाओ, आप सब हथियार नीचे।
वह अपनी जगह से नहीं लेगा। रन नीचे। वरना मैं इस सीआईडी ऑफिसर को मार दूंगी। सुना नहीं तुम लोग ने? नीचे फेंको। शेखा बिल्ला जल्दी से पैसे बटोर लो, जल्दी करो। सिर्फ पैसों के लिए तुम मासूम लोगों की जान ले रही हो? ये किसी गैर के पैसे नहीं है, मेरे पैसे हैं। तुम्हारे पैसे हैं मतलब? मेरे पिताजी इस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हेड थे और उन्हीं के असिस्टेंट नत्थू ने घूस लेके लोन पास करने के झूठे मामले में फंसा दिया और मेरे पिताजी की जगह ले ली और मेरे पिताजी हार्ट अटैक से मर गए। ओ, तो बहुत पहले से कर रखी थी तुमने अपने इस बदले की प्लानिंग। हाँ, और अपने बदले के लिए मैंने दो और लोगों को मिलाया, विक्की और मोनिका। और तुमने ये पूरी प्लानिंग इस तरह से सेट किया कि तुम बैंक के मैनेजर की इंटरव्यू लेती रहो और उसी समय बैंक के कैशमैन पे डकैती पड़ जाए। हाँ, पर तुम लोग आ गए और मुझे सीने में दर्द का नकली नाटक करना पड़ा। मैडम लोडिंग हो गई। चलो, और आप सभी सीआईडी वाले चुपचाप यहाँ पे खड़े रहना वरना इस ऑफिसर के पर काट दूंगी। चलो चलो। रोमा, नीचे। रोमा, तुम अपने पिता की मौत का बदला कानून के सहारे भी ले सकती थी मगर तुमने कानून को ही अपने हाथ में ले लिया। सर, जिंदगी खत्म हो जाती है अगर कानून का फैसला नहीं आता। क्या भरोसा करे कानून पे? कानून से ऊपर कुछ भी नहीं होता, ना कोई बदला और ना ही कोई रिश्ता। तुमने एक आदमी का खून किया है और उसकी सजा तुम्हें भुगत नहीं होगी। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।